आज हम सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव किस तरह से ज्ञात करते हैं इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें 2x प्लस 3y इक्वल साइन एक्स, इसका हमको dy / dx ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम देखते हैं कि 2x का अवकलन होगा 1 प्लस 3y का डिफरेंशिएशन होगा dy / dx इक्वल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x। अब इसको थोड़ा और सिंपल कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 3 dy / dx इक्वल cos x माइनस 2। यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, dy / dx इक्वल cos x माइनस 2 / 3। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके देखेंगे। अगला क्वेश्चन है xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, इसका अवकलन करेंगे। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x को फिक्स रखेंगे, y का अवकलन हो जाएगा dy / dx प्लस y को फिक्स रखा, x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये अवकलन जो आया है किसका आया है, x इंटू वाई का। इसके बाद y स्क्वायर का अवकलन होगा 2y dy / dx इक्वल टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x प्लस y का अवकलन होगा dy / dx। अब हम dy / dx की टर्म को एक तरफ ले आएंगे तो यहां x प्लस 2y माइनस 1 इंटू dy / dx इक्वल sec स्क्वायर x माइनस y। इसको अब हम थोड़ा सिंपल और करते हैं तो dy / dx इक्वल sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ये इसका अवकलन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 8th क्वेश्चन करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर वाई का कितना होगा, 2 कॉस वाई इंटू माइनस साइन वाई इंटू dy / dx और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो हम इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन y इंटू cos y dy / dx इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 और 2 कैंसल हो गया तो हमको dy / dx इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन वाई कॉस वाई, ये आपको dy / dx की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर, 9th देखते हैं। इसमें हमको
डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन टू थीटा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखने पर कितना हो जाएगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा इक्वल टू टू थीटा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा। डी वाई डी थीटा कितना होगा टू और साथ में थीटा इक्वल एक्स इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो डी थीटा बाय डी एक्स इक्वल वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए हमको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा डी वाई बाय डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा है टू और डी थीटा अपॉन डी एक्स है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आया है आपका टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया क्लियर।